साथियों अस्सलामु अलैकुम, आदाब। बह चुस वस सुर मुजुर इलाकस मज तु नाव तजीब बसान सुर मुजुर नाव तहसील बीरवा डिस्ट्रिक्ट बडगाम यपर उस पकान ये पे नजर इन मवलि कुलन पे ये मवल है कॉक्स काम इसको बोलते हैं और ये नेचुरल कलरिंग एजेंट का काम करता है। इस करा नेचुरल कलरिंग एजेंट जो हमारा वाजवान है वो इसके बगैर नाम इनकम्प्लीट है। डालते हैं कलर वाजे हमारे डालते हैं बाकी कलर से त्रावान तहमजन तिम पर वो जहरीले होते हैं कार्सिनोजेनिक हैं। वो ये नेचुरल कलर हमारा है और इस गांव में इस इलाके में बहुत ज़्यादा काश्त इस मवल की होती है विच वेरी मच अप्रिशिएटेड। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे एक फार्मर है जो कि इसकी काश्त करते तो क्या सुना मोहम्मद यूसुफ में ना कुछ सुरमुजी पेट मोहम्मद यूसुफ साहब मैं मानता हूँ तो ये मवल कूता काल गो वपदान तो अस तकरीबन पत्मे दह वरी पे वपदान अम ब्रोह ये मरवान वपदान चूंकि सू चुन वे बनान ये जमीन लग बम मरवान तग बम एग्रीकल्चर गई मगर अस गो तक कहिंद तरफ हूं ना कह दवा शवा कोर अस सू कामयाब ग पत् नि ये इनिशिएटिव अस दो वपदाओ मवल मवल यम रोजगार बढ़ान ओर हथ तकरीबन सितंबर के एंड में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। और ये कहते हैं कि पहले यहाँ मिर्ची उगाई जाती थी और मिर्ची से थोड़ा इसमें बीमारियां लग गई यहाँ पे और बाद में वो ठीक नहीं हुआ और बाद में दे शिफ्टेड टुवर्ड्स ग्रोइंग दिस कॉक्सकॉम्ब मवल जिसे कहा जाता है। और इसका अच्छा फायदा है इनको 400 रुपए में एक केजी होलसेल में 450 में आता है इनको और ये अच्छा है। तो आप तकरीबन कितने कनाल आसे इलाकस में गता है तकरीबन से दोनों कनालों पे मुमकिन है ये मुस्तमिल आनस वपदावान छ क्योंकि एम सी एक रोजगार डेवलप गसन ये गरीब इलाक और ये कोई किस्म का इनकम आसी ये बैकवर्ड इलाक और तो वो अत सीतन करान बेचे मुख्य फर्द काम तरह तथ सहन कालीन काम तरह तथ सबस्त बेच ज्यादा पा मजूर पेशे ये जमींदार पेशे ये चूंकि बागात बागात गई खत्म तिम तिम मतिये बेमार तिम बिल्कुल चलान कहीं। चलिए मैं चाहूंगा कि जो बाकी इलाके भी हमारे हैं वहां पे भी जो है मवल की काश्त होनी चाहिए बिकॉज ये नेचुरल कलरिंग एजेंट है। मैं चाहूंगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए और मवल की ज्यादा से ज्यादा काश्त करवाई जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।